नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सोनिया गांधी अब लोकसभा की जगह राज्यसभा से संसद में प्रवेश करेंगी। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार होने जा रहा है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी, राहुल गांधी पहले ही अमेठी से केरल जा चुके हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस अभी जारी है। सवाल है कि क्या गांधी परिवार ने यूपी में सरेंडर कर दिया है? दर्शकों, 27 फरवरी को 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए इस वक्त तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन अब की बार राज्यसभा के इस चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव का संकेत पढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने पहली बार राज्यसभा के लिए दावेदारी कर दी है। उन्होंने आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र अपना भर दिया और उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी उपस्थित थे। ये पहली बार है कि सोनिया गांधी, जो 5 बार की सांसद हैं, वो राज्यसभा से संसद में आएंगी। सवाल उठ रहा है कि सोनिया गांधी ने अब की बार लोकसभा का रूट क्यों नहीं लिया। 1999 में अमेठी और बेल्लारी और फिर 2004 से लेकर रायबरेली की लोकसभा सांसद सोनिया गांधी, आखिर क्या वजह है कि अब की बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं? क्या राम लहर की वजह से सोनिया गांधी का यूपी से एग्जिट हो रहा है? क्या उन्हें सहयोगी अखिलेश यादव की मदद से भी जीत का भरोसा नहीं है? आप सभी जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से हारे थे। उन्हें दक्षिण में वायनाड का साथ मिला था। कुछ महीनों पहले कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने यह जरूर कहा था कि अमेठी की जनता चाहती है कि राहुल गांधी 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ें, लेकिन अब तक कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर राहुल के अमेठी लौटने का कोई संकेत नहीं दिया है। सवाल पब्लिक आज पूछ रही है कि क्या नेहरू गांधी परिवार को अब उत्तर में कहीं भी सेफ सीट नजर नहीं आती, और चूंकि राहुल गांधी पहले से दक्षिण से सांसद हैं, इसलिए सोनिया गांधी ने उत्तर से राजस्थान से राज्यसभा का दांव चला है। क्या सोनिया गांधी का लोकसभा से एग्जिट रूट नरेंद्र मोदी का डर है? क्या राम लहर में सोनिया गांधी का यूपी में सरेंडर है? यही है आज सवाल पब्लिक का। '98 में सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली थी, तब भी पार्टी की हालत खराब थी। 1998 के लोकसभा चुनाव नतीजे के फौरन बाद उन्हें अध्यक्ष पद सौंपा गया था। इसके बाद 1999 में जब पहली बार सोनिया की अगुवाई में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ा, तब कांग्रेस जीती तो नहीं, लेकिन सोनिया ने कांग्रेस के लिए मजबूत कैंपेनिंग जरूर की थी। 1999 में सोनिया गांधी कैसे फ्रंट से लीड कर रही थी, इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने 1999 में अमेठी जीता और कर्नाटक के बेल्लारी से सुषमा स्वराज को हराया था। इस जीत के बाद सोनिया ने अमेठी की सांसद रहने का फैसला किया। जब अमेठी की सीट संदेश साफ था कि नेहरू गांधी परिवार की उत्तर में कमजोर दिखने का जोखिम नहीं ले सकती। इसके बाद साल 2004 आया, वाजपेयी सरकार का इंडिया शाइनिंग पिट गया, तो इसकी कामयाबी का सहरा भी सोनिया गांधी के सिर बंधा। 2004 में सोनिया गांधी ने अमेठी की सीट अपने पुत्र राहुल गांधी को दी और 2004 से 2019 के चुनाव तक कांग्रेस हारी या जीती, सोनिया गांधी कभी मैदान छोड़ती नजर नहीं आई। देखिए इन चुनावों के अहम मौकों पर सोनिया गांधी ने क्या क्या कहा, क्या किया। आत्मा की आवाज़ के साथ आज मेरी
I would like to thank the people of our country for reposing their faith in the Congress Party once again. Eventually, the people of India know what is good for them and they always make the right choice. हमें जो भी समर्थन मिला है उसके लिए मैं मतदाताओं और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ. मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ. आपने सोनिया को सुना. 2004 में अंतरात्मा की आवाज पर प्रधानमंत्री ना बनने का बड़ा फैसला किया तो 2019 में 2004 की याद भी दिलाई. लेकिन अब की बार क्या सोनिया गांधी वैसा राजनीतिक संदेश देने से भी हिचक रही हैं? इसके ठीक उलट इस राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के संदेश को भी डिकोड करने की कोशिश कीजिए. मोदी कैबिनेट के उन मंत्रियों की लिस्ट पढ़ती हूँ जिनका राज्यसभा कार्यकाल अब खत्म हो रहा है. ये हैं पीयूष गोयल, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजीव चंद्रशेखर, मनसुख मंडाविया, वी मुरलीधरन, डॉक्टर एल मुरुगन, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव. इनमें से सिर्फ एल मुरुगन और अश्विनी वैष्णव को अब तक राज्यसभा टिकट मिला है. कल राज्यसभा नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है. चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 चुनाव में राज्यसभा कोटे के मंत्रियों को जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कह रहे हैं. यहाँ मैं ये भी बताती चलूं कि नेहरू से लेकर इंदिरा, राजीव, सोनिया और राहुल गांधी में अब से पहले केवल इंदिरा गांधी ही एक बार राज्यसभा गई थी, वो भी 1964 में, जब राजनीति में इंदिरा गांधी का खुद का कद इतना बड़ा नहीं हुआ करता था. और वो तब आई थी जब उनके पिता श्री जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था और वो इस दौर में INB मिनिस्टर रही थी लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट. ऐसे में ये सवाल बड़ा हो गया है कि सोनिया गांधी का राज्यसभा नॉमिनेशन 2024 लोकसभा चुनाव में जनता को क्या संदेश दे रहा है. क्या सोनिया गांधी खुद रायबरेली से हटकर वो सीट प्रियंका गांधी के लिए रिजर्व कर रही हैं? इस पूरी रणनीति में कांग्रेस को कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा? हालांकि सोनिया के राजस्थान से राज्यसभा नामांकन के मौके पर कांग्रेस ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का दम भरा है. जरा देखिए कैसे. बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ में हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी आई हैं. ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी है और पूरे राजस्थान में मैम इस निर्णय का इतना ज्यादा शानदार स्वागत हो रहा है कि इससे हमें बहुत बल मिलेगा, कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी और राजस्थान में हम आपके नेतृत्व में और प्रदेश साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा लोकसभा में प्रदर्शन करेंगे. और मैं आप सब विधायकों की ओर से निवेदन करना चाहता हूँ, पार्टी के तमाम वर्कर की ओर से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जान लड़ा देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा नेता राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने. इसके साथ आज पब्लिक पूछ रही है सवाल. पब्लिक का नंबर एक, क्या सोनिया गांधी का लोकसभा चुनाव छोड़कर राज्यसभा का दांव कांग्रेस की लड़ाई को कमजोर करेगा? सवाल नंबर दो, राम लहर के बीच क्या गांधी परिवार को उत्तर में कहीं भी सेफ लोकसभा सीट नजर नहीं आ रही है? सवाल नंबर तीन, राज्यसभा कोटे के मोदी के मंत्री अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो क्या ये मोदी का 2024 को जीत लेने का कॉन्फिडेंस है? यही है आज सवाल पब्लिक का. और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, मनोज यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMIM के, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं. लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है वरुण पुरोहित जी को, कांग्रेस के नेता हैं. और वरुण पुरोहित जी,
राम लहर से ऐसे डर के भागे कि उत्तर प्रदेश से सीधा राजस्थान में पहुंचे, लोकसभा से राज्यसभा। अब ये कैसा मैसेज है अपने ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस में यूपी में लड़ने का दम्भर भी नहीं है? आदरणीय, आपको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, कार्यकर्ताओं का भी किया है, राज्यसभा में किसको जाना चाहिए वो भी किया है, सोनिया गांधी जी के लिए भी किया। सोनिया गांधी जी देखिए, उनने पूरा जीवन गरिमामय जीवन का अपना संदेश दिया देश को, और कभी चुनाव नहीं आ रही, अजय रही है। राजस्थान से आना हिंदी पट्टी के लिए शुभ है, आप ये अपन कह रहे हैं वहां से भागी भागी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और उन्होंने रायपुर में पिछले साल जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी एक संदेश दे दिया था, इशारा कर दिया था कि मैं मेरी पारी को विराम देना चाहती हूँ। तो ये हम मार्गदर्शक मंडल में, हमारे जो बड़े होते हैं उनको मार्गदर्शन मंडल में नहीं भेजते, हमारे साथ रखना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर सर पे उन पर हाथ रहे। देखिए, अब आपने जो बात करी राज्यसभा की, राज्यसभा इसको सोनिया गांधी जी के से नहीं जोड़ा जाए, ये मेरा आग्रह है। राज्यसभा में पहले भी कई बार कहा, एक क्राइटेरिया बन गया कि 3 बार जमानत जब्त कराओ तो राज्यसभा मिलेगी, 4 बार कराओ तो जमानत आपको CWC राज्यसभा मिले। इस कारण से कांग्रेस का ये जो डिबेकल हो रहा है देश के अंदर, कांग्रेस का ये कारण है। जहां तक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की तो कोई सुन नहीं रहा है। कार्यकर्ता को दिया जाता तो इनमें जितनी लिस्ट आई इसमें कार्यकर्ताओं के नाम होते। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आप देखेगा अगर प्रियंका गांधी को 20 साल पहले आपने बेल्लारी का एग्जाम्पल दिया, बेल्लारी का चुनाव सारा कंट्रोल में प्रियंका गांधी जी का था, आप तो वरिष्ठ, आपको याद होगा, शायद 60,000 से जीती थी वहां से, और सुषमा स्वराज जी हारी थी। उस समय एक प्लान था कि अमेठी खाली होगा और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। अगर उस समय प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा दिया जाता तो आज ये स्थिति ना देश की होती ना कांग्रेस पार्टी की होती। अब रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी जी को लड़ाया जाएगा तो 101% वो जीतेंगी और कांग्रेस की उत्तर भारत में वापसी होगी और बड़ी जबरदस्त होगी। लेकिन कार्यकर्ताओं की अगर उपेक्षा होगी और जिस प्रकार से जमानत जब्तियों को अगर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये कांग्रेस को कंट्रोल करेंगे, तो फिर कोई भी इस चीज को ना तो मोदी जी कुछ कर सकते, ना प्रियंका गांधी कर सकती, ना आप और मैं कर सकते। चलिए, आप कभी कहते हैं कि कार्यकर्ता महान होता तो उसका भी नाम होता कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अजय रही हैं सोनिया गांधी और हमारे यहाँ किसी को मार्गदर्शन मंडल में नहीं भेजा जाता। अब अजय आलोक जी, मैं पूछना चाहती हूँ संकेत क्या है, क्योंकि सोनिया गांधी जी को भी निमंत्रण दिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, यूपी के अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के, लेकिन ना अब तक राहुल गांधी का अमेठी से लड़ने का कोई पैगाम आया है, ना प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से लड़ने का कोई पैगाम आया है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2019 से लेकर अब 2024 तक एक ही डेवलपमेंट हुआ है कि पहले अमेठी छोड़कर चले गए थे, अब रायबरेली से निकल गए। संकेत क्या जा रहा है? नहीं, संकेत बहुत स्पष्ट है नविका जी, संकेत बहुत स्पष्ट है। और प्रधानमंत्री जी ने तो इसकी घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी, अभी 4-5 दिन पहले जब सत्र चल रहा था, कि हमारे मित्र बहुत के इधर के लोग वो राज्यसभा से आने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा नहीं आएंगे, तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था ना। अब देखिए तो आ गया, सोनिया जी जा रही हैं, अब स्वास्थ्य हो चाहे जो कारण हो, लेकिन सच्चाई तो है कि वो जा रही हैं और राहुल गांधी आ नहीं रहे, और इसके कारण कांग्रेस में बहुत खुशी भी है यूपी में कि दोनों नहीं आ रहे। ये दोनों नहीं आएंगे तो समाजवादी पार्टी की मदद से, आपकी मदद से कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाएगी। अभी आपने अपने विश्लेषण में बताया कि 2004 में हम हार गए थे, जानती हैं हम सही में हार गए थे, उसमें कोई शक नहीं है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी सीटें थी 138, और जो कांग्रेस कहती है कि हमने जीत दर्ज की और लोकसभा में सोनिया गांधी की बदौलत हम आए, तो उनकी बदौलत ये आए थे 145। वोट प्रतिशत था हमारा 22.4%, कांग्रेस का था मात्र 26.5%। ये 4% की बढ़त लेके इनको लगता है कि इन्होंने भारत को जीत लिया। 2009 में मामूली वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, हमारी सीटें थोड़ी और कम हो गई, लेकिन 14 में जब नेतृत्व का परिवर्तन होता है और जनता को नायक दिखता है, तो उसका अंतर ये होता है कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ के चला गया 31%, ये घट के आ गया 19%, और सीटें हो गई इनकी 52, हम हो गए 282। उस नायक में और विश्वास अगर देश की जनता में जगता है तो 19 में हमारा प्रतिशत हो जाता है 37, हमारी सीटें हो जाती हैं 303, ये बढ़ क्या होते हैं 19.49%। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो पैनल में कोई भी मुझे करेक्ट कर दे, मोदी जी को थर्ड टर्म तो मिलेगा ये तो तय है,
कोई ऐसा देश का प्रधानमंत्री बना रही है, एक नेहरू जी जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री या 3 बार चुनाव जीता, लेकिन हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत और पॉपुलैरिटी गिरते गया। आजाद भारत और स्वतंत्र भारत में अकेले ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिनका हर चुनाव में वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। आज जब हम कह रहे हैं कि हम 50% पे आई कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी छलांग होगी, क्योंकि ये एक देश का विश्वास है अपने नेता के प्रति। देश उनको एक नायक के प्रति देखता है कि पिछले 10 वर्ष में भारत जितनी आगे बढ़ा है। ये सवाल तो आपने सही उठाया और मैं मनोज यादव जी से पूछना चाहती हूँ। मनोज यादव जी, एक तरफ 400 पार का नारा मोदी जी ने पार्लियामेंट में दे दिया है, संसद में दे दिया है, एक कॉन्फिडेंस दिखाता है अपने नेताओं को। वो कह रहे हैं आप लोकसभा से जाइए, राज्यसभा से नहीं, जीतिए लोकसभा के चुनाव। और दूसरी तरफ है कि राहुल गांधी तो अमेठी से गए थे, अब सोनिया गांधी रायबरेली से गई हैं। और आपके खेमे की बात बताऊं तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या पल्लवी पटेल हो या राम गोविंद चौधरी हो, सब कहीं ना कहीं परेशान हैं। ये उत्तर प्रदेश में राम लहर से इतनी उथल पुथल हो रही है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं? नविका जी, आपको नमस्कार, आपके पैनलिस्ट जो भी साथी हैं सबको नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। निश्चित तौर पे बड़ा वाजिब सा सवाल आपने पूछ लिया। समाजवादी पार्टी में नेताओं को, हमारे गठबंधन के दलों को अपनी बात कहने का हक है, सवाल उठाने का हक है, लेकिन जिस दल की आप बात कर रही हैं, जिसके बारे में आजकल बड़ी चर्चा है, उस दल में सवाल पूछने का अधिकार का वध कर दिया गया, और ऐसा वध किया गया है कि कोई गलती से सपने में भी सवाल नहीं पूछता। हाँ, क्या बोलना है वो सवाल जरूर पूछते हैं, क्योंकि मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के सीएम साहब आए थे आजमगढ़, कल पूछ रहे थे क्या लाइन लेनी है, तो ऐसा ना हो कहीं मैं लाइन से अलग हट के बोल दूं तो आका हमारे नाराज हो जाए। वो वीडियो वायरल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किया है, वो पूरी दुनिया देख रही है कि बोलने के लिए क्या परमिशन लेनी पड़ती है बीजेपी में। इसके लिए बीजेपी को बहुत बहुत बधाई, कम से कम अपना आंतरिक लोकतंत्र खत्म करने के लिए आप पहले दल जाने जाओगे। वैसे मैं राजनीतिक रूप से एक व्यक्ति होने के नाते, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, तब मुझे लगता था कि बीजेपी इज अ सिंगल पार्टी जहां पे लोकतंत्र जिंदा है। कोई भी नेता, चूंकि अटल जी की बात से आडवाणी जी ना इत्तेफाकी रखते थे, मुरली मनोहर जी आरएसएस की बात से ना इत्तेफाकी रखते थे, लेकिन आज सारे इत्तेफाक खत्म हो गए। खैर, मैं आपको एक परिभाषा सुनाना चाहता हूं, बड़े तिल तन मन धन से मैंने लिखी है, बचपन में आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी। डिफिनेशन ऑफ नाउन, इसको मैं कनेक्ट करूंगा अभी। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। एग्जाम्पल, राम, पटना, एलिफेंट, बुक, ये थी नाउन की परिभाषा। इसको मैंने करप्शन की परिभाषा में नए तरीके से लिखा है, और आपसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता इसको बताने का। अ करप्शन इज द नेम ऑफ नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस। एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी ऑफिस, अमित शाह आरएसएस मुख्यालय नागपुर। इस नई परिभाषा को मैं बीजेपी को आज शुभ अवसर पर, वैलेंटाइन डे कह लीजिए या बसंत पंचमी कह लीजिए, उसके शुभ अवसर पर मैं इनको डेडिकेट करता हूं, और इसकी प्रति छपवा के आरएसएस अपने संविधान में लिख ले और बीजेपी भी अपने संविधान में लिख ले कि करप्शन का जो एग्जाम्पल है वो नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह, नागपुर का मुख्यालय वही बन गया है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं मनोज यादव जी, ये बात को जमी नहीं, खास करके जब इतिहास उठाएं, इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं और उनके करप्शन चार्जेस उठाए जाएं, या यूपीए में जब आप कांग्रेस के साथ थे तब के उठाए जाएं, तो जनता जो है ना, मनोज यादव जी, मुझे तो आपकी पॉपुलैरिटी की चिंता रहती है, जनता आपको कहीं नाराज ना हो जाए आपसे कि आप किस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि ये कुछ जमा नहीं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुद्दा मेरा सवाल था, सवाल मनोज यादव जी से था कि उत्तर प्रदेश में राम लहर, मोदी लहर, योगी लहर के बाद क्या मामला जमीन इतनी खिसक गई है कि जिसको देखो वो
हड़बड़ा रहा है, कोई निकलकर भाग रहा है, कोई एक दूसरे में लड़ रहा है, सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही, या फिर जवाब जो है वो आते हैं आउट ऑफ कोर्स सिलेबस के। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हो क्या गया है इंडिया अलायंस को, या कोई अलायंस है भी या नहीं? नविका जी देखिए, अलायंस जैसी कोई चीज तो मुझे दिखती नहीं है, और मैंने उस दिन कहा था कि बहुत बड़ा काम कर लिया जिस दिन विपक्ष के नेता सब साथ में बैठे थे। मैंने कहा ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है उसमें आपको नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बहुत तैयारी करनी होगी और एकजुट होकर करना होगा। विपक्ष के लिए वो अच्छा भी था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जैसे जैसे मीटिंग होती गई वैसे वैसे लोग टूटते गए, और अब तो स्थिति यह है कि कोई अपने से ही तय करके बता देता है कि चलो हम तुम्हें 7 सीटें देते हैं, वो चले जाते हैं। कोई कहता है हम 6 लड़ेंगे, 1 देंगे 7 में से, वो चले जाते हैं। कोई कहता है कि अच्छा चलो हम तुम्हें सीटें दे ही नहीं रहे, तुम 2 सीटें ले लो, तो वो चले जाते हैं। कोई कहता है कि 40 सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। अब ये सब कोई और नहीं कह रहा, ये सब जो गठजोड़ के भीतर के लोग हैं, जो पिलर्स थे, जो खंभे थे, वो कह रहे थे। सोनिया गांधी जी बिना किसी संदेह के भारत की राजनीति की बहुत मजबूत नेता है, बहुत बड़ी नेता है। उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, वो भी उस दौर में खड़ा किया जब उनके ऊपर निजी हमले थे, विदेशी मूल का मुद्दा बताकर शरद पवार निकल गए थे, तारिक अनवर, पीए संगमा, और उनके खिलाफ पूरी कांग्रेस एकदम से अलग थी। सबको लग रहा था कि अब हमारा अवसर आ गया, अब गांधी परिवार को निकाल बाहर करेंगे। लेकिन जिस तरह से सोनिया जी ने वापसी की, जिस तरह से उन्होंने करीब करीब 1 दशक तक सत्ता में रखा, कई राज्यों में रखा, वो बड़ी नेता है, वो कहीं से जा सकती। लेकिन 2024 का चुनाव था, एक ऐसा चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी के लिए अपने अस्तित्व को देश के सामने रखना है कि हम सबसे पुरानी पार्टी है, आज सत्ता में नहीं हम लड़ रहे हैं। ऐसे समय में रायबरेली छोड़कर जाना, अब आपको याद होगा पिछली बार वायनाड जब जाने की चर्चा हुई थी तो एक प्रस्ताव लेके आए थे दक्षिण भारत के लोग कि हमारे यहां से भी आ जाइए। जब इस तरह के प्रस्ताव आते हैं तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। अमेठी स्मृति ईरानी वहां रह के रुक के हरा दिया, अब रायबरेली भी जाती हुई दिख रही है। और अगर आपको ध्यान में हो तो अखिलेश यादव जी ने कहा था हमारे बिना समर्थन के रायबरेली अमेठी भी नहीं जीत पाएंगे, ये अखिलेश यादव जी ने कहा था, कोई और? बिल्कुल। तो इसलिए सोनिया जी की चिंता वाजिब थी, उनकी पार्टी के लोगों को लगा घर बचा रहे दिल्ली में, थोड़ा कम से कम राज्यसभा में रहे, शायद ये बचाने की एक कोशिश भर। तो लड़ाई इस वक्त संसद की, देश में सरकार बनाने की नहीं है, लड़ाई है 10 जनपद की। आशुतोष जी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार, माजे आलोक जी आऊंगी आपके पास, आशुतोष जी सवाल ये है कि आपने इतने चुनाव देखे हैं, चुनाव में परसेप्शन और अपने कार्यकर्ता का मनोबल बनाने का एक तरह से सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है, क्योंकि असल में बाहर जितने नेता हों लेकिन चुनाव लड़ाने में कार्यकर्ता का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आज जब रायबरेली छोड़कर सोनिया गांधी राज्यसभा के रूट से संसद आ रही हैं, मैं पूछना चाहती हूं वास्तव में इसका कार्यकर्ता के मनोबल पर क्या असर होगा, और कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है इलेक्शन के दौरान इस पर क्या असर होगा? नविका जी, अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं थोड़ा सा एक भूल सुधार करा देता हूं जो अजय आलोक जी ने की है। अजय आलोक जी ने थोड़ी देर पहले कहा कि नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार चुनाव जीता है और वोट परसेंटेज सीट बढ़ाया है। मैं उनको करेक्ट कर देना चाहता हूं, 1951-52 में जो पहली बार चुनाव हुआ था तो 45% वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था, 489 में से 364 सीटें मिली थी, और जब 1957 में चुनाव हुआ था तो 47.78% यानी 48% वोट कांग्रेस को मिला था, 494 जगह पे चुनाव हुए तो 371 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई थी। तो ये भूल सुधार मैंने बता दिया अजय जी को, क्योंकि उन्होंने उत्साह में शायद तथ्यों का ध्यान नहीं दिया होगा। दूसरी बात, जहां तक सोनिया गांधी का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनिया गांधी इस देश की बहुत बड़ी नेताओं में उनका शुमार होगा, और एक समय जब कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी तब कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जिंदा करने की कोशिश की थी। वो बहुत सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी को बिना नेहरू गांधी परिवार के देखने की कोशिश करते हैं, उनको ध्यान होगा कि नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के समय में आज जो बंगाल में ममता बनर्जी है, या तमिलनाडु के अंदर जो मुपनर, या कुछ और राज्यों के अंदर वहां पे जो कांग्रेस पार्टी टूटी और कभी उभर नहीं पाई,
उसका सबसे बड़ा कारण नरसिम्हा राव की सरकार थी और सीताराम केसरी थी। जब कोई कांग्रेस पार्टी को छूना नहीं चाहता था उस वक्त सोनिया गांधी ने जब लीडरशिप अपने हाथ में ली और उसके बाद 2004 में कांग्रेस पार्टी को जिताया, 2009 में 200 से ज्यादा सीटें लेकर आई, जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी का जो नेतृत्व था, उनका जो प्रभाव मंडल था, वो एक तरीके से संभव स्थिति नजर आ रही है। और जिस तरीके का विरोध का वातावरण सोनिया गांधी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की थी, वही भारतीय जनता पार्टी कि जब लंदन में ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बनते तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं और जब हिंदुस्तान के अंदर जब सोनिया गांधी को लीडरशिप मिलती तो नाराज हो जाते हैं और अपना बाल मुड़ाने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को सोनिया गांधी के सम्मान में किसी तरीके की गुस्ताखी करनी चाहिए। वो देश की बड़ी नेता है, बाहर से आई है, लेकिन उनका इस देश ने उनको देश ने स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार जैसे नेताओं को अस्वीकार करने के बावजूद भी। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं, ये दुनिया को मालूम है, वो अस्वस्थ है, ये पिछले 4-5 सालों से लगातार अस्वस्थ है। इसलिए अगर वो लोकसभा का चुनाव छोड़ के अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ती हैं तो मुझे लगता है कि उनके कम से कम सम्मान में, भले ही उनसे विचारधारा का कितना भी मतभेद हो, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे कि किसी को तकलीफ हो। और हाँ, राहुल गांधी को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को खड़ी करनी चाहिए तो नहीं खड़ी कर पा रही, उनका असफलता इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सोनिया गांधी पर मुझे लगता है कि टिप्पणी करने से बचना चाहिए। भाग गई ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। सोनिया गांधी अगर रायबरेली से फिर लड़ती तो मैं, फिर जीत मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं कि कोई किसी सोनिया गांधी जी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। सवाल सिर्फ इतना है कि आज तक गांधी परिवार कभी उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी की सीट छोड़कर नहीं गया है, और मैं तो सिर्फ पूछ रही हूं कि ये संकेत कार्यकर्ता को क्या देता है, क्या कार्यकर्ता का मनोबल गिरेगा, ये सवाल तो जायज है। और दूसरी बात, आपने कही कि उनके सेहत की प्रॉब्लम है, भगवान उनकी उम्र दराज करे, लेकिन आप सक्रिय राजनीति में रह रहे हैं और सक्रिय राजनीति में आप लोकसभा से नहीं राज्यसभा से जा रहे हैं, यह आपका चॉइस जरूर हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता के मनोबल पर क्या इसका असर पड़ेगा, यह सवाल लाजमी है। ये पॉलिटिक्स में, राजनीति में चुनाव के समय उठेगा, और यह सवाल उठाने में मुझे नहीं लगता आशुतोष जी हमने कोई गुस्ताखी की है। ये सवाल मैंने आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, मैंने ये कहा कि जो लोग ये कहना चाहते हैं कि दरअसल वो भाग गई हैं, मुझे उस शब्द पे आपत्ति और कोई आपत्ति किसी भाग गई की बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जमीनी सच्चाई जो है वो भी हमें पता होनी चाहिए। 119 सीटों पे लड़े थे कांग्रेस पार्टी के नेता 2017 के असेंबली चुनाव में, और कितनी सीटें जीती थी, 7, और 2022 में 399 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, कितनी सीटें आई थी, 2, और अमेठी भी जब लोकसभा के चुनाव में 2019 में हार गई कांग्रेस पार्टी, तो जमीनी सच्चाई उत्तर प्रदेश की क्या है इससे कम से कम हम अपनी नजर नहीं फेर सकते। लेकिन वारिस पठान जी सोनिया गांधी क्या करती है, समाजवादी पार्टी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, ये तो एक अलग मुद्दा है। मुझे बताइए, राम लहर, और आज आप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने तो मंदिर बना दिया, मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा, हमारी बाबरी चली गई, उधर देखिए वहां अबू धाबी में जो मंदिर बना है, जहां आज एक मुस्लिम राष्ट्र में इतना बड़ा मंदिर बना है कि मोदी जी को वहां पर आज उसका इनॉगरेशन है, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, और भारतीयों के लिए ये वहां मुस्लिम राष्ट्र में बन सकता है मंदिर, वहां कोई चूचू नहीं करता, यहां इतनी पीड़ा क्यों है? नविका जी, मैं आपका इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन पहले जो सब लोग बात कर रहे थे मुझे भी उस पर बोलना है। हमारे देश में तो राज्यसभा की सीट के लिए एक होड़ सी लग गई है, और हमारे महाराष्ट्र में तो खेला हो गया है। आपको सबको पता है ना, 50-50 साल से जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, दो दो टर्म के मुख्यमंत्री रह चुके, एमएलए रह चुके थे, हर INDIA अलायंस की मीटिंग के अंदर मौजूद रहते थे, एक दिन पहले भी मौजूद रहते थे। ऐसा अशोक चव्हाण तो चले गए वहां पे, हाथ छोड़ के बीजेपी में, उनको तो वहां पे जाके राज्यसभा दे दिया। उसके बाद बाबा सिद्दीकी साहब चले गए वहां पे अजीत दादा गट में, उसके बाद मिलिंद देवरा चले गए शिंदे गट में, एक पैटर्न के जरिए गए, पहले एक गया शिंदे गट में, फिर एक गया अजीत दादा गट में, फिर एक गया बीजेपी गट में। काम क्या, सिर्फ राज्यसभा की सीट चाहिए।
अब बताइए मुझको, जब ये इलेक्शन के वक्त आते थे पब्लिक के सामने क्या बोलते थे, ये एमआईएम को वोट मत देना, एमआईएम तो बीजेपी की बी टीम है, आप उस एमआईएम को वोट दोगे बीजेपी जीत जाएगी, आप वोट हमको दो। सेक्युलरिज्म के नाम पे पूरी जनता का लोग ने वोट हत्याया, रो धो के वोट लिए, अब कुर्सी की लालच में, सत्ता की लालच में तमाम लोगों के पीठ में खंजर भोग दिया जनता के और चले जाके वहां बैठ गए। तो अब कौन असली बी टीम हुआ ये मैं आपके जनता के ऊपर छोड़ता हूं, जनता को इसका सवाल, और इनको भी जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। अभी जो इलेक्शन आने वाला है उसमें महाराष्ट्र की जनता बहुत सक्षम है, इनको पूरी तरह से जवाब देगी। और बात नंबर दो, अभी समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, भर भर के वोट लिया समाजवादी ने पिछले इलेक्शन में मुसलमानों का, मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, समाजवादी को वोट दिया, बोला नहीं मोदी को हराना है हम समाजवादी को वोट देंगे, वोट ले लिया। अब राज्यसभा के नॉमिनेशन आ गए, नॉमिनेशन इन लोगों ने अनाउंस कर दिया, बताइए मुझे एक भी आपको पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान नहीं दिखा जिसको आप राज्यसभा में भेज सको, किस तरह का सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो आप, किस तरह से मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो। अरे आजम खान को तो आपने खत्म कर दिया, उनका तो करियर जीरो हो गया, मगर आज भी आप यहां पर बैठ के बड़े बड़ी बातें कर सकते हो सर, बड़े बड़े आप जो बड़े बड़े डायलॉग मार सकते हो, मगर एक मेरी बात का जवाब दे दो कि आपको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुसलमान नहीं मिला जिसको आप राज्यसभा में भेज सकते थे, क्यों नहीं किया आपने ऐसा, वोट तो चाहिए आपको, 90% वोट आपको भी चाहिए। मनोज यादव जी जवाब दीजिए, मनोज यादव जी जवाब दीजिए, आज तो बहुत करारा जवाब देना पड़ेगा, वारिस पठान जी ने वाजिब सवाल उठाया। वारिस पठान जी की और इनकी पूरी पार्टी की बीमारी है और इस बीमारी का इलाज कोई नहीं। अगर हमारी जब लिस्ट आई और पूर्व में जो इससे पहले 3 सांसद राज्यसभा के गए थे, जावेद अली खान साहब क्या एआईएम से हैं क्या, इतना भी आपको इल्म नहीं है, पता नहीं क्या सोचते रहे। तो खैर मैं आपको बता दूं, पहली लिस्ट में हमारा लोकसभा का नाम आया था, आपने जो लिस्ट दिया बच्चन वगैरह हमारा नाम डाला क्या, और आप क्या करोगे, ए भाई रुक जाओ, क्यों ये कोई पेटेंट है क्या कि हम आपके हिसाब से लिस्ट जारी करेंगे, राज्यसभा की बात आप, हाँ लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, आप कौन होते हो, 3 में न 13 में कितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, कितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, अरे जितने सवाल लेके क्यों आते हैं, जितने भी है तुम्हें भारी है, आज भी भारी है, अच्छा लगे तब सवाल का पार्लियामेंट को भारी पड़ गए, 640 सवाल कर लिया, आज रिकॉर्ड बना दिया पार्लियामेंट का रिकॉर्ड बना दिया तुमने, 640 सवाल कर लिया वापस जाके, आपने क्या किया छोटे भाई, आरएसएस छोटे भाई, थोड़ा सा धैर्य रखो, लो जो आरएसएस के छोटे भाई का धर्म निभाते हो हैदराबाद से बैठ के, उसके लिए उससे ज्ञान मत पूछो, हाँ आरएलडी के मुझे ना पूछो, चला गया वो पर वोट, कितना बलिदान लोगे मुसलमानों का, कितनी उनकी शहादत लोगे मुसलमानों का, शर्म नहीं आती आपको वारिस पठान जी, शर्म नहीं आती है, तो आप कर रहे हो, नहीं आती है, नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में तो भूल मानते हो, भूल गए आजम साहब, जिस शख्स ने आपके लिए अपनी जान दे, मैं तो आजम साहब से पूछवा दो ना, उसको तो आपने जेल में भेज दिया, और आज सुनो ओएसी एंड बदर पे तो कोई कार्रवाई नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ओएसी एंड बदर पे कोई कार्रवाई नहीं, आदरणीय आजम साहब पे रोजाना कार्रवाई, रोज मुकदमे, क्या तो तुमसे कोई रिश्तेदारी है क्या? कौन सा रिश्ता है? वो जो कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, सीबीआई की इंक्वायरी आ गई, वो जो कहता है ना जो मैं पठान का बच्चा हूँ, तो उस पठान के बच्चे से ओएसी साहब का कौन सा रिश्ता है? जेल चले गए, प्लीज टेल मी, आई वांट नो, वो बता तो दो, बता तो दो, अजय आलोक जी, अजय आलोक जी एक अकेला सब पे भारी तो आज प्रूव हो गया है, क्योंकि पता नहीं आपने क्या किया है, जो जिनको साथ होना चाहिए वो आपस में लड़ रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं जैसे मलाई सारी आपके पास आ गई है। मलाई नहीं, मुझे आश्चर्य लगता है कि जब आशुतोष मुझे करेक्ट कर रहे थे तो फिर आगे का फैक्ट फिगर्स नहीं चेक कर सकते हैं, ये तो आशुतोष के साथ पूरा देश भी मानता है कि 1952 का जो चुनाव हुआ था पहला जनरल इलेक्शन, वो सिर्फ नेहरू के कंधे पे नहीं लड़ा गया था, चुनाव के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया था, उनके नाम पे चुनाव नहीं था, सारा एक तरफ पूरा देश था, विपक्ष मुश्किल से
क्योंकि दूसरी पार्टी जो बनी थी सोशलिस्ट पार्टी उसको मात्र 11% वोट और 12 सीट आई थी। तो पहला चुनाव नेहरू के नाम पर नहीं था, जीतने के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बने। मतलब मत आंकड़े लेके 57 के चुनाव में एक मिनट बीच में नहीं भाई, ये बीच में कहां बोल रहे हैं चंडीगढ़, ये नेहरू के बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ पहुंच गई। अरे ये मनोज यादव जी उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपको काउंटर करने का समय दूंगी। रूप से बता रहा हूँ, देखिए देश, हाँ ठीक है, 1957 में, अभी आप पे भी आऊंगा मनोज भाई, आप पे भी आ रहा हूँ, आप पे भी आ रहा हूँ, पहले कांग्रेस को खत्म कर लू ना जरा। 1957 में ठीक है 47% वोट आए, 371 सीट आई, जरा बताइए 1962 में कितने गए थे, 2% वोट घट गए साहब नेहरू की अगुवाई में, 45% वोट आए थे, सीटें आई थी 364। जरा मोदी जी के बारे में ये निकाल के दिखाइए, 14-19, दो तो मैंने बढ़ा दिया, कैसे बढ़ रहा है ग्राफ, और 24 में ही बढ़ेगा, इसलिए गलत मैं नहीं हूं, गलत आप थे, क्योंकि थोड़ा पॉलिश बनता है, आई एक्सेप्ट दैट। अब आते हैं जरा समाजवादी पार्टी पे, क्या इन्होंने कहा, अब मैं बुरा नहीं मानता हूं नविका जी, जानती हैं, क्योंकि जिसके नेता को जिन्ना और सरदार पटेल में अंतर नहीं पता हो तो वो वैलेंटाइन डे और बसंत पंचमी को एक ही तराजू में रखने की कोशिश करेगा। ये मिनी आरएसएस उसको बोल रहे थे, ये खुद क्या है, ये खुद क्या है, इनको बसंत पंचमी जिसमें हम सरस्वती पूजा करते हैं उसको वैलेंटाइन डे को ये सेम कह रहे थे, इनकी इतनी ही समझ है, तो इनसे क्या मैं बहस करूं, पीछे किताब का जखीरा लगा लेने से ज्ञान अंदर नहीं आ जाता है, थोड़ा ज्ञान का प्रदर्शन जीप पे भी रखना चाहिए, ये समाजवादी का ज्ञान, नफरती लोग जहाँ खुलेआम महिला पत्रकार को मुख्यमंत्री कहता है आपके साथ तो रेप नहीं हुआ। अरे एक मिनट, क्यों बीच में बोल रहे हैं आप, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, सरस्वती पूजा के दिन आप सरस्वती वंदना मत कीजिए, वैलेंटाइन डे कीजिए, किसको वैलेंटाइन डे किया अखिलेश ने, राहुल गांधी को वैलेंटाइन डे किया या बहन जी को वैलेंटाइन डे किया, सरस्वती पूजा से तो मतलब है ही नहीं, प्यार कैसे समझोगे, जिसने आदमी को जिन्ना और पटेल का अंतर नहीं पता हो उसको बाकी चीज क्या पता चलेगा, ये क्या बता रहे थे अंग्रेजी में, नाउन और प्रोनाउन, व्हाट इज नाउन, आई टेल यू व्हाट इज नाउन, आई विल टेल यू व्हाट इज नाउन, आई विल टेल यू व्हाट इज ए इज फॉर एनआरकी, ए इज फॉर क्लेश, ठीक है ना, इफ ए इज फॉर एनआरकी, ए इज फॉर क्लेश, ए मिस्टर सुन लो, ठीक है, ये सपा, ये आपका ट्रू कलर, मिस्टर तुम सुनो, तमीज से बात करना सीखिए पहले, टीवी पे बात करने की तमीज नहीं है आपको, सुनो सुनो सुनो, क्या समझते हो अपने आपको भाई, कहाँ से आए हो, कहाँ से उठ के आए हो जो सबको सुनो सुनो कहोगे तुम्हारी सुनेंगे, हो कौन तुम है ना, तुम हो कौन जो तुम्हारी सुने, सुनाओ हो कौन जो तुम्हारी सुनेंगे, हो कौन, नहीं नहीं मेरी क्यों सुनोगे, फिर सुनो, बेरोजगारों की सुनो, अरे तमीज से बात करना सीखिए, भ्रष्टाचारियों की सुनो भाई साहब, देश की भ्रष्टाचारियों, अरे बेरोजगार तो आपको हम लोगों ने कर दिया, सरकार से बेरोजगार किया हुआ, आगे भी 20-30 साल बेरोजगारी में रहिएगा, ठीक है ना, पड़े हो जो 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 लक्षण है ना वो जीवन भर प्रभु बेरोजगारी रखेंगे, जनता को लूटने के लिए राजनीति में नहीं आते हैं, भ्रष्टाचार, मैं आप दोनों से कहूंगी कि हम जब डिबेट करते हैं तो फैक्ट्स पर करें और भाषा की मर्यादा रखें, दोनों के लिए अच्छा है और हमारे लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, लेकिन सवाल आज एक है, और आशुतोष जी मैं देख रही हूँ आप मुस्कुरा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भाव है कि आप भी जवाब दें, लेकिन जनता के भी कुछ सवाल है, इन्हें उठा लेते हैं। असित मोदी का मुंबई से सवाल है, सोनिया गांधी का ये फैसला क्या ये नहीं दिखाता कि 2024 चुनाव में कांग्रेस के लिए उनका भी नो कॉन्फिडेंस है। राजेश तिवारी का शहडोल एमपी से सवाल है, सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं और कांग्रेस के बाकी दिग्गज दूसरे दलों में जा रहे हैं, कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है। दीपक तिवारी का मऊ उत्तर प्रदेश से सवाल है, सोनिया गांधी अगर राज्यसभा में जाएंगी तो राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से मजबूत कर पाएंगे। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, क्या सोनिया गांधी का राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ना ये स्वीकार करना है कि 2024 में भी मोदी को ही आना है। अब इन सारे सवालों का जवाब जरूर देना पड़ेगा। और मैंने जो आपसे बात पूछी थी आशुतोष जी इस पूरे डिबेट के शुरू में कि सवाल कोई सोनिया गांधी पे नहीं उठा रहा, सवाल इस बात पर है कि इसका मैसेज क्या है और इसकी परसेप्शन कैसे की जाएगी, इस बात का तो जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए, लेकिन मैंने देखिए जो बात कही थी आलोक जी को बुरी लग गई, बुरी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, मैंने तो जो फैक्ट थे वो आपके सामने रख दिया, आपने कहा लगातार 3 चुनाव में
वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो मैंने पहला ही फैक्ट आपको बताया था 45% से बढ़कर 47.78% था। आपने गलत चुके फैक्ट बोला, इसलिए मैंने आपको करेक्ट किया। नो इंटेंशन टू इंसल्ट यू, बिल्कुल। मैं आलोक जी, आप जानते हैं आप मित्र आदमी, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं। जहां तक सोनिया गांधी के, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में एक बड़ी जीरो पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई इस पर लड़ाई करता है, कोई झगड़ा करता है, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। सोनिया गांधी छोड़ के गई हैं, राहुल गांधी छोड़कर गए हैं। अगर रायबरेली में अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं, तब ये सवाल उठना चाहिए कि क्या नेहरू गांधी परिवार वाकई में छोड़ के भागा है क्या। जब अमेठी छोड़कर गए थे राहुल गांधी, तब भी मैंने इन्हीं शब्दों में कहा था कि राहुल गांधी ने बड़ी गलती की है, राहुल गांधी को लड़ना चाहिए अमेठी से और कहीं और जाने की जरूरत। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जगह से चुनाव लड़ा और 2 जगह चुनाव हारे, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी का स्टिचर कम हुआ? वो भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस ऐसे कदमों से निश्चित तौर पर मैं आपकी राय से सहमत हूं, कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता है, ये भी तो एक सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल। और हर्षवर्धन तिवारी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका जवाब। नहीं देखिए, यही मूल बात आ जाती है जब आशुतोष जी कहते हैं कि क्या कार्यकर्ता हैं। अरे भाई, कार्यकर्ता होता कैसे है? नेता ही जब मैदान छोड़ के भाग खड़ा होगा, मैं इसको जरा बोल्ड में बोल रहा हूं, भाग खड़ा होगा, क्योंकि आशुतोष जी ने ऐसे कहा जैसे सोनिया जी पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कमाल है, प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी के ऊपर आप कोई भी टिप्पणी करने को स्वतंत्र है। और मैं तो कहता हूं मैं भी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है पत्रकार के तौर पर किसी नेता से ऐसा क्या मूर्ति बना देना, प्रतिमा बना देना। और मुझे तो बड़ा विचित्र लगा, मतलब आशुतोष जी हमारे सीनियर रहे, संपादक रहे, कोई ऐसी बात तो मैं किसी के मुंह से सुनी नहीं सकता किसी पत्रकार की, सोनिया जी के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी नेता पर अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनैतिक विश्लेषण, राजनैतिक टिप्पणी किसी भी व्यक्ति पर होगी, चाहे वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू या अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम उनकी राजनीतिक समीक्षा करेंगे, जहां गड़बड़ करेंगे, जहां अच्छा बुरा दिखेगा। और यहां साफ दिख रहा है कि सोनिया गांधी को हार का डर था, कार्यकर्ता गायब हो गए हैं, यह आशुतोष जी ने बता दिया, और कार्यकर्ता खड़ा करने की क्षमता नहीं रही, ये राहुल गांधी ने बता दिया। बिल्कुल। और यही सवाल का 10 सेकंड के लिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, ओके। मैंने जिस संदर्भ में बात कही थी, मैं और ये दुनिया जानती कि सोनिया गांधी की तबियत ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, उस संदर्भ में मैंने बात की थी। अन्यथा मुझसे ज्यादा इस चैनल में कोई नहीं होगा जिसने सोनिया गांधी की आलोचना की 2014 के पहले, ये भी सच्चाई है। इसलिए मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी देश की बड़ी नेता है, जैसे नरेंद्र मोदी की आलोचना होनी चाहिए वैसे सोनिया गांधी की भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन मेरी जो टिप्पणी थी उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में थी। लेकिन सवाल यही पब्लिक भी पूछ रही है, सुधीर का दिल्ली से सवाल है, सोनिया गांधी जी की अगर तबियत ठीक नहीं है तो क्या किसी युवा पीढ़ी को चांस नहीं देना चाहिए? ये भी सवाल पब्लिक का ही है। लेकिन खैर, जो भी डिसीजन है उनका व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन राजनीति में सवाल तो उठेंगे। सवाल क्या मैसेज, क्या परसेप्शन, ये सवाल वाजिब सवाल है, क्योंकि ये सवाल चुनाव से पहले जरूर जनता भी पूछेगी, कार्यकर्ता भी। अब इस सवाल का जवाब क्या है, कुछ लोगों को समझ आएगा और कुछ लोग बस बातों ही बातों में उलझाना चाहेंगे। लेकिन ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है, सब समझती है।